साथियों नमस्कार। आज 27 अगस्त है, आपका पेपर हुआ। पेपर हमेशा की तरह था, लेकिन थोड़ा सा मुझे सरल लगा जैसा कि मैंने देखा। और पिता कहानी में किस जगह का जिक्र हुआ है, घनश्याम नगर, ये आपको मैं पूरी कहानी पढ़ा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। एक बात और बता देता हूँ, जिस दिन पेपर आंसर की आएगी उस दिन पेपर के एक एक प्रश्न लगभग मोस्टली स्क्रीनशॉट के साथ क्लास का लगा दूंगा, फिर आप देख लेना कि मेरी मेहनत कितनी सार्थक हुई। मैं NTA को 4 बार क्लियर कर चुका हूँ, और ऑनलाइन वाला पेपर भी, ऑफलाइन वाला पेपर भी, बदला हुआ पैटर्न भी, इसके पहले वाला भी पैटर्न, 2017 से 20 तक मैं क्वालिफाई हूँ, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ NTA क्या चाहता है। सीता कुमार लगभग 10 साल, बलरामपुर किस कहानी में आया था, अब बलरामपुर आप देखो किस कहानी में आया था, रेडू वाली कहानी ना। तीसरी कसम में क्रम पूछा था, कौन सा नगर पहले आया जब हीराबाई को लेके जा रहा था, गई ग्रीन कहानी से प्रश्न आया था, और ध्रुव स्वामी से प्रश्न आया था, अंधा युग का क्रम आया था। अभी लास्ट वाली क्लास में आप देखिए, जब मैं कंटेंट करा रहा था तो अंधा युग वाले में भी आया है आपका, और चंद्रगुप्त से भी पंक्ति आई थी सिंहरण वाली, और अषाढ़ के एक दिन से भी पंक्ति पूछा था, अरस्तु के विरेचन का क्रम, अभी जो 6 उसके प्रकार होते हैं, है ना, पद वक्रता वो वाला जो मैं बताया था, ट्रेजेडी के आप खुद ही देख लो, लास्ट क्लास में भी काव्य शास मैराथन कराया, जाके वहां से देख लीजिए आप लोग। उसके बाद साथ साथ में विश्वनाथ जगन्नाथ की पंक्तियां, पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक, है ना, मतलब रमणीय अर्थ प्रतिपादित करने वाली, उसको काव्य को हम क्या कहते हैं, रमणीय अर्थ प्रतिपादित करने वाले को हम काव्य का हेतु कहते हैं, यानी काव्य क्या है, काव्य के बारे में परिभाषा, काव्य वही है जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादन करे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूनिट 10 में आप देख सांस्कृतिक 4 अध्याय से भी प्रश्न था, कौन से क्रांति में मतलब मैच करना था, शुक्ल ने क्रोचे का व्यंजनावाद को, बिलायती वाला जो आप देखो ये भी आया था, निबंध में भारतेंद्र की निबंध कंघी कारतूस, ये सब है ना, इसका मिलाने का आया था, मजदूरी और प्रेम से आया था। और उसके बाद आप देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे भी प्रश्न आया था, गोदान में से भी प्रश्न आया था। उसके बाद नाटक के पात्र क्रम में लगाने का आए थे, मैंने लास्ट टाइम पे मैराथन जो अलग अलग कराई है। और भाषा विज्ञान में आप देखोगे अनुच्छेद से भी प्रश्न आया था, आपका जो आर्टिकल 350 आया था। और उसके बाद अवारा मसीहा से, है ना, मन्नू भंडारी वाले एक कहानी अभी, उससे आपका भूमिका से प्रश्न आया था। मेरे पास केवल प्रश्न है, ठीक है ना, मतलब प्रश्न का मतलब जो लोगों ने लिख के दिया है। और गुलिस्ता आया, जो आया मेरी जान को जल्लाद आया, मतलब आप ओवरऑल प्रश्न को देखेंगे तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि 15% कॉमन सेंस पे होता है, और 10% अगर निकाल दो तो 80-85% आप मेरी क्लास से ही सिर्फ कर सकते हैं। कितना कट ऑफ जाएगा इसका मैं सटीक विश्लेषण अभी नहीं कर पा रहा हूं, और वीडियो में इसलिए बना दिया कि आप लोग परेशान ना हो, और इस पर मैं एक दिन बाद सटीक वीडियो बनाऊंगा। मैं अर्जेंट कार्य से बाहर आया हुआ हूं और गाड़ी में साइड में लगा के आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो साथियों आप लोग घबराना मत, पेपर में जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब तक आप अनुमान मत लगाना। जब पेपर आप दे के आते हो तो आपको लगता है कि हमारा पेपर सही नहीं हुआ है या पेपर कैसे हुआ है, इन सब चीजों में हमको देखना पड़ता है, यानी समझ ही नहीं आता कितना सही हुआ कितना नहीं। हिंदी का अनुमान लगा सकते हो लेकिन फर्स्ट पेपर का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। अभी आप बिल्कुल मत घबराएं, आप आराम करें, आप टेंशन मत लें, कल मैं आपको कट ऑफ के बारे में रिसर्च करके बता दूंगा। और आप जानते हैं जो मैं विश्लेषण कर दिया वो लगभग अकाट सत्य होता है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो जब आपका पेपर आ जाएगा तब मैं आपको स्क्रीनशॉट क्लास की दिखा दूंगा, ये रहे सारे प्रश्न, है ना। तो आप लोग चिंता मत करिए, और राही अध्ययन धाम पर एक नया बैच दिसंबर के लिए शुरू होने जा रहा है, और उस बैच को मैं उसी दिन अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो आप लोग इंतजार करना और हम लोग फिर से लगेंगे। जिनका हो रहा है पेपर वो ठीक है, जिनका पेपर गड़बड़ होगा फिर से मेहनत करना, ये सबके साथ होता है। मैं भी 2 बार फेल हुआ हूँ, फिर पास हुआ हूँ, 4 बार पास हुआ, तो ये सब जीवन का क्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, आराम करें, टेंशन मत लें, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।